मैं हूं हरि और आप देख रहे हैं एक और सीरीज ऑफ डिफरेंट एपिसोड्स न्यूजीलैंड की कुछ खूबसूरत वादियों में मेरे चैनल रोम विद हरि। ये वीडियो सीरीज चलेगी करीब कुछ दिन तक चलेगी, जिसमें अलग अलग लोकेशंस स्पेशली साउथ आयरलैंड की तरफ, जहां इस वक्त सुना है काफी बर्फ पड़ी, बड़ा अच्छा लगने वाला है, बड़ा खूबसूरत दिखने वाला है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एयरपोर्ट पे। ये पार्किंग प्लेस है जहाँ अभी गाड़ी लॉन्ग टर्म पार्किंग है, जहाँ पर गाड़ी मैंने छोड़ दी है एयरपोर्ट से पहले। यहाँ से इनकी जो पिकअप वैन है पार्किंग वालों की, वो मुझे यहाँ से एयरपोर्ट तक ले जाएगी। बाकी लोगों को मैंने पहले छोड़ दिया एयरपोर्ट, मैं गाड़ी पार्किंग में छोड़ने आया हूँ और यहाँ से पिकअप वैन लेके जाएगी एयरपोर्ट के लिए। गाड़ी मेरी यहीं रहेगी और चार पाँच दिन आगे। अरे यहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग शुरू कर दी। बहुत जल्दी जल्दी मैं फ्लाइट पकड़ी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट मिस होती है। गाड़ी लगाने के बाद यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया और बोर्ड इज अबाउट टू क्लोज। चलो देखते हैं फ्लाइट हाथ आ ही जाएगी, पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। जब से कोविड फैला है, इस सेकेंड टाइम में जो मैंने आज मास्क लगाया, पहली फ्लाइट वेलिंगटन में गया था तब, और अभी जो डिनेंट वाली फ्लाइट, इससे पहले मैंने न्यूजीलैंड में मास्क लगाया नहीं। न्यूजीलैंड में क्या, मैं बाहर गया नहीं न्यूजीलैंड से, तो मास्क लगाया नहीं। बड़ी मुश्किल फीलिंग है, पूरी दुनिया में लोग कैसे पूरा दिन मास्क लगा के घूमते हैं, इट इज़ सो हार्ड। स्पेशली गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, जान बचानी ज़रूरी है। कीप डूइंग द गुड जॉब पीपल। Your crew are highly trained to help keep you safe, so make sure you listen to and follow their instructions. As we get underway, please make sure your personal electronic devices.
Hello, but it's okay. Yes, I would like to wish Dieter and 28, happy birthday from everyone at Jetstar. Happy birthday, Mom! Happy it's going to be a pleasure for you to be with us again shortly. Thank you. Good afternoon. Thank you. Captain, please play the Captain Atlantic. Thank you. This was a surprise. में ही बर्थडे मनाने के बाद फाइनली मैं लैंड किया अभी डनेडिन एयरपोर्ट पे। यहाँ से आने वाले चार दिन की जर्नी बाय रोड वापसी में फिर यहीं से मेरी फ्लाइट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी सवारी जो आने वाले चार दिन। तो ये है मेरी सवारी अगले चार दिनों के लिए। हम देखिए यहाँ पे मेरा नाम भी लगा हुआ है और गाड़ी पूरी रेडी ट्रैवल करने के लिए। पीछे स्पेस और आगे इसे दिखाता हूँ आपको। टोयोटा की हाईएस्ट वैन, करीब 10 से 12 लोग इसमें आराम से एकोमोडेट हो जाते हैं क्योंकि लंबी जर्नी है, ट्रैवल काफ़ी घंटों का है बाय रोड। तो एक कंफर्टेबल गाड़ी का होना तो बनता ही है, इसलिए गाड़ी कंफर्टेबल लग रही है। बाकी चल के देखते हैं। आफ्टर फ्लाइट और ड्राइव करके टाउन से एयरपोर्ट से सीधा टाउन में जहां हम लोग ठहरे हुए, ये एक हाउस है, होटल नहीं है, हाउस है जो booking.com या Airbnb में मिल जाते हैं। 3-bedroom हाउस है, बहुत अच्छे से इसको रखा हुआ है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं, ये 1 bedroom है, ऐसे 3 bedroom है इसमें और प्रॉपर्टी अच्छी है। $300 एक रात के, ठीक है, कंपेरेटिवली इट्स नॉट बैड। और यहाँ से व्यू भी अच्छा है लेकिन वो दिन में दिखाई देगा, अभी तो नहीं दिख रहा, तो सुबह शूट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट।